बैक टू क्रिएटिंग मैजिक। आई होप आप सबका दिन काफी अच्छा जा रहा होगा, काफी पॉजिटिव जा रहा होगा। तो गाइज आज है डे 23 हमारी मैजिकल ग्रेटिट्यूड रूटीन का, और आज की रूटीन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बट उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले, उसके बारे में बात करने से पहले, मैं आप सब लोगों को दिल से सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हम फाइनली कहां डे 1 से स्टार्ट हुए थे और आज डे 23 हो चुका है। विद इन दिस वीक हम इस रूटीन को कम्प्लीट कर लेंगे, और मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस की ये बहुत मुश्किल चीज थी, ये बहुत एक ऐसी चीज थी जो मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगी। बट यस, एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैं आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहूंगी इस रूटीन को पार्ट रखकर। सबसे बड़ी बात गाइज लाइफ में एक ही होती है कि जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली लाइफ में चैलेंज करते हैं, जब आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को लाइफ में पुश करते हैं, जब आप अपने आप के आगे वो टास्क रखते हैं, वो चीजें रखते हैं जो आपने कभी शायद एक्सपेक्ट ना कराओ कि वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। बट इट ऑल कम्स अप टू वन थिंग कि आपको ही अपने आप को आगे लेकर जाना है, आपको ही अपने आप को ग्रो करना है। और जब आप अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में चीजों को लेते हैं, आप जब हर टास्क को, हर स्टेप को, छोटी छोटी चीज को अपनी लाइफ में लेकर ग्रेटफुल होते हैं, तो यूनिवर्स मेक श्योर करता है कि वो अलाइन करे आपकी लाइफ में चीजें, कि वो मेक श्योर करे कि सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यूज आपकी लाइफ से एलिमिनेट हों। अब मैं आपको ये बात बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि इन 23 दिन में से बहुत दिन आए जब मेरा मन नहीं था शूट करने का, जब मेरे पास टाइम नहीं था, जब मुझे अर्ली मॉर्निंग या एकदम रात के 2-3 बजे शूट करना पड़ता था, क्योंकि मैं और भी मेरे काम है, मैं बिजनेस भी करती हूँ, मेरे और भी चीजें हैं जो मैं जिनके साथ इन्वॉल्व हूँ अपनी लाइफ में। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर, अपनी विजन को लेकर कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को आगे पुश करेंगे, तो यूनिवर्स मेक श्योर करेगा कि वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट भी वही ब्लेसिंग्स करे। और मैं आप सब इंसान, जो भी इंसान ने अगर एक भी वीडियो देखी है, अगर एक बार भी एक एफर्ट लिया है अपने आप की, अपनी जिंदगी बदलने का इस रूटीन के थ्रू, उस हर इंसान के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड आई प्रोमिस कि अगर आप अपनी लाइफ में डेडिकेटेड रहे, अगर आप अपनी लाइफ में फोकस्ड रहे, तो आप अपनी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात बदल सकते हैं। तो गाइज लेट्स मूव ऑन विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बट ये काफी लोगों के लिए ऐसा टॉपिक है जिसपे शायद वो बात नहीं करते, जिसके बारे में वो सोचते भी नहीं है द बैक ऑफ द माइंड, कभी उन्होंने इसके बारे में कोई थॉट भी नहीं अपने दिमाग में लाया हुआ। बट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे को आप लोगों को समझाना है, मेरे को आप लोगों को चीजें बतानी है। तो गाइज आज की वीडियो में हम ग्रैटिट्यूड देंगे हमारे आसपास सराउंडेड ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन जो दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर समय हम अपनी लाइफ में इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चीज समझने वाली बात है वो ये है कि हम एक बहुत ही परफेक्टली बैलेंस्ड और हम एक बहुत ही परफेक्टली डिजाइंड सिचुएशन में रहते हैं। हम ह्यूमन काइंड ऐसा है कि हमको हर चीज एकदम ही परफेक्ट तरीके से, एकदम ही परफेक्ट डिजाइन में, वे में हमें मिली है। हम अर्थ पे रहते हैं, पूरे यूनिवर्स में, पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ को लेकर कहीं भी ह्यूमन लाइफ नहीं है। अगर मार्स या कहीं पे वाटर भी मिला है, बट वहां पर अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर ह्यूमन लाइफ डिस्कवर नहीं हुई है, और वो भी कितने करोड़ों सालों बाद जाके, इतने रिसर्चेस के बाद ये चीज हुई है। बट अर्थ एक ऐसी जगह है जो सबसे पहली बात तो एटमॉस्फेयर से हमारे प्रोटेक्टेड है। हमारे पास कोई भी यूवी रेज या जो भी हार्मफुल रेडिएशंस इतनी सारी जो बाहर यूनिवर्स में है कि अगर आप अर्थ को छोड़ के बाहर जाएंगे आप 2 सेकंड में खत्म हो जाएंगे, वो चीजें अर्थ पे नहीं है। सन से हमारा अर्थ एकदम परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट अलाइनमेंट पे प्लेस्ड है, ताकि वो हीट ताकि वो इतना क्लोज नहीं है ना वो इतना फार नहीं है कि हीट लाइट हमारे पास पहुंचती नहीं है, हीट हमारे पास पहुंचती नहीं है। हमारे पास हीट सही तरीके से, सही वे में, एकदम सही टाइम पे पहुंचती है। हमारे अर्थ पे वाटर है, हमारे अर्थ पे वेजिटेशन है, हमारे अर्थ पे ह्यूमन लाइफ है, हमारे अर्थ पे हर तरीके का स्पीशीज है। तो आप कभी ये चीज बैठ के रियलाइज करते हैं कि ये सब यूनिवर्स ने आपके लिए, आपको परफेक्टली एक डिजाइंड लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ, एक सस्टेनेबल लाइफ प्रोवाइड करी है, तो क्या हमें उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए?
जी बिल्कुल, हमें इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ही नहीं होती, ये सब चीज़ें परफेक्टली अलाइन नहीं होती यूनिवर्स के थ्रू, अगर ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो क्या आप आज जहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कितने सारी चीज़ों की दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपको करियर बनाना है, रिलेशन मेंटेन करना है, फैमिली मेंटेन करनी है, आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको पैसा कमाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको चीज़ें खरीदनी है, हर चीज़, क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल होती अगर हमारे पास एयर वाटर और ये सब बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होती? नहीं, बट मोस्ट ऑफनली हम इन सब चीज़ों को ग्रेट ग्रैटिट्यूड नहीं देते। बट आप लाइफ में जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक पार्ट बनाएंगे अपनी ज़िंदगी का, आप उसको और डेप्थ में सीखेंगे और डेप्थ में आप ग्रैटिट्यूड यूज़ करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे बड़ी चीज़ों से ज़्यादा छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होने में ज़्यादा पीस, हारमनी और एक अंदर से एक इनर पीस, एक हैप्पीनेस मिलती है। और जब तक आपके पास इनर पीस और हैप्पीनेस नहीं होगा, आप बड़ी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस टास्क में, आज के इस प्रैक्टिस में, आपको 5 टाइम डिफरेंट, पूरे दिन में 24 आवर्स में 5 अलग अलग टाइम पे बड़ी बड़ी सांसें लेनी है और इनहेल करके एक्सहेल करना है। और जब जब आप वो सांस एक्सहेल कर रहे हैं, जब जब आप वो ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना है वो मैजिकल एयर के लिए जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, वो मैजिकल एयर जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ सस्टेन कर रही है, जिसकी वजह से आज आप जिंदा है, हेल्दी है और प्रॉस्पेरिटी की एक लाइफ जी रहे हैं। तो आपको 5 अलग अलग टाइम पे, आप वो आंखें बंद करके भी कर सकते हो, बिना आंखें बंद करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप एक्सहेल करें अपनी सांसें, आपको सिंपली सिर्फ यही वर्ड बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। और हिंदी में बोलना चाहते हैं तो थैंक यू यूनिवर्स इस मैजिक एयर के लिए जो मैं सांस ले रहा हूँ। दैट्स ऑल, आज की एक्टिविटी बस यही है। आपको देखो ये चीज़ नहीं करनी, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी कि इससे मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि हर इंसान एक लालच में, एक ग्रीड में जीता है कि मैं कोई चीज़ तभी फॉलो करूंगा, मैं कोई प्रैक्टिस या मैं कोई चीज़ तभी करूंगा जब मुझे उससे कुछ मिल रहा हो। बट क्या बात है लाइफ में कि मटेरियल अट्रैक्ट करने से पहले आपको अपने अंदर को रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की फीलिंग्स रिपेयर करनी पड़ेंगी, आपको अंदर की वाइब्रेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और वो अच्छी तब होगी जब आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए, वो हर चीज़ जो आपकी लाइफ सस्टेन कर रही है उसके लिए ग्रेटफुल है। तो आई होप आप मेरी ये बात समझे हैं, आप आई होप आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि आप जहाँ पर जो जिंदगी जी रहे हैं वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, और आपको उस लाइफ के हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। और अपने आप यूनिवर्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे हर ब्लेसिंग अट्रैक्ट करके अलाइन करना शुरू कर देंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर करिएगा कि काउंट योर ब्लेसिंग्स और द मैजिक रॉक ऑब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस डेली कर रहे हो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी अगर आपको ऐसी क्वेरी हो जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सारे के सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।